आखिरकार टीम सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे में 20 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त ले ली। यह सूर्य कुमार की कप्तानी में पहली सीरीज जीत रही और जीत में बहुत ही खुश दिख रहे कप्तान सूर्या ने कहा कि मैं जीत से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। युवा लड़कों ने चरित्र दिखाया और यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी। भारत तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों तब हार गया था जब मैक्सवेल ने आतिशी शतक जड़ा था, लेकिन विश्व कप टीम के सदस्य रहे कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्वदेश लौटे तो इसका फायदा भी भारतीय टीम को मिला। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि भारतीय टीबीज टीम से भी कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। सूर्य कुमार ने कहा कि ये मैच शुरू होने से पहले हमने टीम मीटिंग में बात की, मैंने खिलाड़ियों से खुलकर अपना खेल खेलने और निर्भीक बनने के लिए कहा। वहीं प्लेयर ऑन ऑफ द मैच अक्षर पटेल के उम्दा प्रदर्शन पर सूर्या बोले कि मैं हमेशा ही अक्षर पटेल पर दबाव लादना पसंद रहा है और जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की वह अविश्वसनीय है। आखिरी ओवरों की योजना का खुलासा करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा कि हमारी डेथ ओवरों में योजना ज्यादा से ज्यादा यॉर्कर फेंकने और फिर इसके परिणाम की समीक्षा की थी। वहीं प्लेयर ऑन ऑफ द मैच अक्षर पटेल ने कहा कि जब मैं घर पर था तो कई चीजों पर अमल करने की कोशिश कर रहा था और आज ये तमाम बातें फलीभूत साबित हुई। मैंने अपनी ताकत से जुड़े रहने का प्रयास किया और जब मेरे खिलाफ बड़े शॉट खेले गए तो मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ओस की कार्ड के लिए मैंने विकेट टू विकेट बॉलिंग का फॉर्मूला अपनाया। लेफ्टी स्पिनर बोले कि किसी भी मैच में आक्रामक और मानसिक रूप से मजबूत बने रहना बहुत ही अहम बात है क्योंकि इस फॉर्मेट में पिटाई के खासे आसार रहते हैं। जब आप ऐसे रवैये के साथ जाते और विकेट छटकाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। पटेल ने कहा कि चोट से मिले ब्रेक के दौरान मैंने खुद पर सुधार करने पर काम किया और इस दौरान मैंने अपनी बॉलिंग में कई नई अलग अलग बातों को शामिल किया जिससे शीर्ष स्तर पर सफलता मिलती रही।